हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो होने वाली है काफी खास, क्योंकि गूगल शीट पर एक डिफरेंट टाइप का फॉर्मूला हम सीखेंगे। और फॉर्मूला ही क्या, फॉर्मूलों को एक साथ यूज करेंगे, यानी एक से ज्यादा फॉर्मूला हम यूज करके देखेंगे और समझेंगे ये कैसे यूज हो रहा है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है, लेकिन उससे भी पहले कुछ चीजें बता देना चाहता हूं। वो ये कि आज है संडे और आज बच्चों के कहने पे मैंने लाइव क्लास ऑर्गेनाइज किया है HTML का, ठीक है। बाकी जो टैली का 8:30 बजे शाम को चलता है वो तो चलेगा ही, लेकिन 4 बजे शाम से स्टार्ट होगा HTML प्लस CSS भी सिखाऊंगा, HTML भी सिखाऊंगा, जो भी चीजें होती है सबको सिखाऊंगा। तो आप HTML के क्लास के साथ भी जुड़ सकते हैं, अपने सवाल सीधा पूछ सकते हैं और चीजों को समझ सकते हैं, ठीक है। खासतौर पर वो स्टूडेंट जो क्लास 10th में है वो मुझसे ये चीजें जान सकते हैं, और जो लोग वेब डिजाइनिंग सीख रहे हैं या उनको समझ में नहीं आती है वो अच्छे से समझ में आ जाएगी इस क्लास में। तो इस क्लास को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं यहाँ पर। यहाँ पर आपको डेटा दिखाई दे रहा होगा नेम ऑफ स्टूडेंट और यहाँ पे मार्क्स इन कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर में इन्होंने मार्क्स गेन किया। आउट ऑफ 100 इन्होंने कुछ ना कुछ मार्क्स गेन किया। अब यहाँ पर अलग अलग नाम भी आपको दिख रहे हैं, हेडिंग को मैंने कॉपी करके यहाँ रख लिया, ठीक है। अब हमें करना क्या है, अब देखिए जैसे ये नाम है ना, इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 50 से कम मार्क्स लेके आए हैं या 50 नंबर लेके आए हैं, समझ आ रही बात। तो हमें उन बच्चों के मार्क्स पता करने हैं जो कि कम मार्क्स वाले हों। अब ऐसा नहीं कि 50 से कम 60 से कम, ऐसा नहीं है, हमें सबसे कम मार्क्स वाले बच्चों का नाम पता करना है नंबर के साथ। तो उसके लिए क्या करेंगे, उन लड़कों की लिस्ट, उन बच्चों की लिस्ट देखनी है जो कम है, समझ आ रही है बात। तो पहले तो मैं क्या करता हूँ, इस पे फॉर्मूला मैंने लगाया, तो इसको मैं पहले एक बार यहां से राइट क्लिक करके और इसको पहले वैल्यू बना देता हूं, तो ये वैल्यू हो जाएगा। अब ये फॉर्मूला नहीं रहा, अब ये वैल्यू हो गया। अब यहां पर आते हैं, यहां पर हमें लगाना है फिल्टर, समझिएगा। ये फिल्टर लगाया और फिल्टर लगाने के बाद ये पूरा डेटा हेडिंग नहीं सेलेक्ट करना, ये डेटा सेलेक्ट करना है केवल, हेडिंग को इसलिए नहीं सेलेक्ट करना क्योंकि हेडिंग तो हम पहले ही ले चुके हैं, आई बात समझ में, हेडिंग हम पहले ही ले चुके हैं, कंप्यूटर है, हेडिंग को छोड़ करके बाकी सारे मार्क्स को सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट कर लिया, अब यहां आपको कोई कॉमा नहीं देना है, ये बात ध्यान रखनी है। यहां लगाइए लेस देन इक्वल टू, अब यहां पे कर देता हूं स्मॉल, स्मॉल कर दिया। और मैं ये चाहता हूं कि जिनका नंबर सबसे कम है वो 5 स्टूडेंट की लिस्ट हमारे पास आ जाए, कितने स्टूडेंट की, 5 स्टूडेंट की। तो आपको करना क्या है, अब फिर वापिस से वही काम, इसी डेटा को कर लीजिएगा सेलेक्ट, क्योंकि इसी में आपका मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो इसको कर लिया सेलेक्ट, अब कॉमा देकर के यहां 5 स्टूडेंट के चाहिए ना, तो यहां 5 लिख दीजिएगा और एंटर प्रेस करिएगा, 5 स्टूडेंट जो सबसे कम मार्क्स वाले हैं आपको यहाँ पे रिजल्ट दिख जाएगा। जैसे कि राम है, देखिए राम का यहाँ पे कम मार्क्स आया हुआ 17 है, देख सकते हैं। यहाँ पर मैं कलर चेंज करता हूँ टेक्स्ट का, ये देखिए राम का 17 है, श्याम का 24 है, ये देख सकते हैं। यहाँ पर जो जो कम मार्क्स वाले हैं उनको मैं एक अलग कलर प्रोवाइड कर रहा हूँ, लाइक रेड कलर में कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये 10 मार्क्स वाले हैं, तो ये भी तो कम मार्क्स वाले में आ गए। फिर देखिए यहाँ पे उमेश है, ये ज्यादा मार्क्स है, यहाँ पे 37 है, 37 भी कम मार्क्स है, ठीक है। तो यहाँ पे 37 को सेलेक्ट करते हैं, तो ये 37 को सेलेक्ट किया। तो ये इस तरीके से आप देख सकते हैं कि 4 स्टूडेंट ऐसे हैं, बल्कि 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कम मार्क्स वाले हैं। अब यहाँ पे एक 6 भी है, ये परवेज है, ये 6 मार्क्स इन्होंने गेन किया है, और यहाँ पर इसको रेड कलर से मैं रेड कलर से कर देता हूं, ये देख सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपको 5 नहीं 3 चाहिए हो, तो यहां पर खाली आपको चेंज करना है, यहाँ पे 3 कर दीजिएगा, एंटर कर दीजिएगा, ये 3 ही स्टूडेंट के नाम दिखाएगा, 3 सबसे कम मार्क्स वाले, ठीक है। अगर आप ये चाहते हैं कि 2 सबसे कम मार्क्स वाले का दिखाए, तो सबसे कम 2 मार्क्स कौन है, एक 10 है एक 6 है, तो इन्हीं का दिखाएगा 10 और 6 सबसे कम मार्क्स, समझ रहे हैं। तो ये बहुत आसान है, इजी है, उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि 10 सबसे ज्यादा मार्क्स वाले या 8 सबसे ज्यादा कम मार्क्स वाले, ज्यादा नहीं बल्कि कम मार्क्स वाले स्टूडेंट का है, तो यहाँ पर देखिए सबसे कम मार्क्स वाले का ही आया हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं 90 है तो 90 का नहीं आया हुआ है, 71 है तो 71 नहीं आया हुआ है, ठीक है। बाकी सारी चीजें आई हुई है। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।